मैं जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष अटेवा नीरज राय, आज हम लोग सांसद आवास पर आए हैं। पुरानी पेंशन के तहत सांसद के द्वार घंटी बजाओ अभियान के तहत जो राष्ट्रव्यापी मुहिम है और पूरे अगस्त माह पूरे 2800 राज्य में इस कार्यक्रम गतिमान है। ऐसे में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग डेट में माननीयों के दरवाजे पर हम लोग जा कर के ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जनपद मऊ के एक संसदीय क्षेत्र घोसी लोकसभा के माननीय सांसद बसपा के अतुल कुमार राय के पार्टी कार्यालय पे हम लोग आए हुए हैं और आकर के यह देश को, यह लोकसभा विधानसभा तमाम राज्यों को हम यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम ले कर रहेंगे। घंटी बजा रहे हैं, घंटी इसलिए बजा रहे हैं कि जब हमारे देश में गैस, जो सिलेंडर गैस था तो सिलेंडर लेकर के चूड़ियां बजाई गई थी, ऐसे में जब हमारे देश में बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया और किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है, ऐसे में जो घंटा घंटी हम लोग ले कर चले हैं उनको जगाने के लिए लेकर के चले हैं। यह जो कुंभकर्णी नींद में यह सोई हुई शासन सत्ता है उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह पुरानी पेंशन केवल पुरानी पेंशन नहीं है, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बेटी की विदाई है, बुढ़ापे की दवाई है, यह हमारा सम्मान है, मान है, सब कुछ है। अगर हम 60-62 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम मंदिर में घंटा नहीं बजाना चाह रहे हैं, उसके पहले ही यह घंटी बजा करके हम अपनी पुरानी पेंशन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सम्मान वापस होगा। और यह कहा जा रहा है कि बुढ़ापे की लाठी वो हम लोगों के कर्मचारियों का एक मान और सम्मान पे भी प्रश्न होता है, अगर पुरानी पेंशन हमें नहीं मिलेगी तो 60-62 साल बाद सड़क पे हो जाएंगे। जैसे गाय दूध देती है और दूध बकेना हो गई तो गाय पे सड़क पे छोड़ दिए तो उस पे इधर से लाठी पड़ती है, उधर से लाठी पड़ती है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पेंडिंग सैलरी है, पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई रेवड़ी नहीं है, ये 5 साल के लिए आते हैं माननीय लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, राष्ट्रपति लोग, प्रधानमंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, पार्षद लोग, ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? जनता के सेवक हैं, जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, लिखते हैं हम समाज सेवा के लिए आए हैं, समाज सेवा लेने के लिए आए हैं, 5 साल के लिए आए हैं, तो आप पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? पुरानी पेंशन अगर ले रहे हैं तो हम कार्यपालिका हैं, आप व्यवस्थापिका हैं, संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, तो हम कार्यपालिका यदि हाथ खींच लेंगे, पूरे 1 करोड़ है पूरे देश में, तो विकास का पहिया थम जाएगा। ऐसे में हमारी उपेक्षा इनको कर्नाटक हिमाचल उदाहरण प्रस्तुत किया है, यदि पेंशन मेरी बहाल नहीं होते तो आगामी मध्य प्रदेश और हरियाणा व होते हुए महाराष्ट्र तक इनको औकात में लाने का काम करेंगे। लोकसभा 2024 में है, 2024 के पहले पहले यदि तो ये हमारा पेंशन दे या तो ये गद्दी छोड़ करके सड़क पे घंटा बजाए। घंटा बजा रहे हैं, मैं घंटा इसलिए बजा रही हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए और सांसद के आवास पे आके हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो जब वहाँ बैठते हैं तो इस चीज़ को उठाएं, और जब तक ये 4 साल या 5 साल के MLC MLA बनते हैं, ये 4-4 पेंशन लेते हैं, उनके बच्चे ऐसो आराम करते हैं, और बाद में जब हमारा बुढ़ापा आएगा, मैं 62 साल की नौकरी करके जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो बच्चे मुझे घर से निकालेंगे कि आपने किया क्या है, और उसी पैसे के लालच में कम से कम हम लोग का सेवा तो होगा, जिस तरह इन लोगों का सेवा होता है, AC और सब कुछ लगा के बैठे रहते हैं, हम कर्मचारी अपना करते रहते हैं, अपना क्या वोट हुआ, वोट दिलवाना हुआ, आउट ऑफ सर्वे हुआ, हाउसिंग सर्वे हुआ, बच्चों को पकड़ के लाइए, और अभी अभी आदेश आया योगी मुख्यमंत्री जी का कि एक अध्यापक 50 बच्चों का एडमिशन करेगा, कहाँ से हम लोग ढूंढ के लाए, और ये नहीं सोचते कि अध्यापक कितना मरता है, कितने पीछे पड़ता है, और हमें
योगी आदित्यनाथ से और मोदी जी से यही वो करती हूँ कि वो गूंगी और बहरी सरकार है, कम से कम ये तो ध्यान दे कि कर्मचारी किस स्तर से अपना उठा और किस स्तर से सबको आगे बढ़ा। आज हम पढ़ाए लिखाए हैं तो आज वो बैठे हुए हैं गद्दी पे, और उस गद्दी पे बैठने के बाद वो मुझे नहीं समझ रहे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और घंटी बजा रही हूँ बसपा के यहाँ सांसद के यहाँ, वो हमारी बातों को सुने। और इतने छोटी सी मात्र एक बहन है, वो अपने बच्चे को लेके आई है, जबकि उनका बच्चा बीमार है, फिर भी तो उन्हें पेंशन चाहिए। चाहती तो वो घर में बैठती, लेकिन हम लोगों को पेंशन चाहिए, बस पेंशन। ओपीएस टीचर को चाहिए, अन्य विभाग को भी चाहिए, हर कर्मचारी को चाहिए, चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे ITI का हो, जो भी है वो सबको, जो भी कर्मचारी हमारे हैं वो सबको चाहिए। देखिए कहा जाता है कि जो है ये तो प्रोटेक्शन पा गए हैं, प्रिविलेज बना लिए हैं, ये तो चुन के आते हैं निर्वाचित होके 5 साल में, और 4-4 बार आए तो 4-4 पेंशन, इनका विशेषाधिकार समझ में आता है। हम लोगों को आखिर कोई इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं? राष्ट्र सेवा हम लोग भी कर रहे हैं, राष्ट्र हित में अहरनिश हम लोग भी संलग्न हैं, हम एक शिक्षक हैं, भविष्य निर्माता हैं, लेकिन हमें कितना प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी मिलती है ये इन माननीयों से पूछा जाए। इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, 4-4 प्रदेशों में लागू होने के बाद शायद इनके जो है गूंगी बारी जो सरकार है इनके कान में झूरेंगे, और शायद अपनी ये जो है कुमकर्णी चिर निद्रा से जगें। उसी को जगाने के लिए हम लोग घंटा घंटी बजा रहे हैं, इतना हम लोगों को हल्ला करना पड़ रहा है कि इनके कान तक वो आवाज़ पहुँचे। और जिस तरह से जो है भगत सिंह ने बम फोड़ा था असम्बली में, तब जाके जो है अंग्रेजों की सरकार की नींव टूटी थी, उसी तरह इन लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग पुरानी पेंशन लेके ही रहेंगे, और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित सफल होंगे। मैं ब्रजेश यादव, जिला मीडिया प्रभारी अटेवा। यहाँ हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्च प्राथमिक और सारे एम्प्लाई जो गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, सब लोग पूर्व माननीय विजय कुमार बंधु जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुरानी पेंशन के अटेवा के, उनके आह्वान पर 1 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच जितने सारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसदगण, उनके दरवाजे पर घंटी बजाओ कार्यक्रम, इन जो कि सरकार सोई हुई है कुमकर्णी नींद में, हम कर्मचारियों के पेंशन के नाम पर हम लोग घंटी बजाकर माननीय जनप्रतिनिधिगण को अपना याद दिला रहे हैं कि अगर आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर पुनः 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, तो हम 62 साल की सेवा के लिए चुने जाते हैं, अपनी मेहनत के बदौलत पाते हैं, तो हमारी पेंशन क्यों नहीं? यह पेंशन कोई खैरात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारें थी, अंग्रेजों के ज़माने में पेंशन थी, तो हमारी पेंशन क्यों नहीं बहाल हो रही है? 6-7 राज्यों में बहाल हुई है, ये अर्थव्यवस्था का रोना रोते हैं। तो माननीय जनप्रतिनिधिगणों का पेंशन कोरोना में क्यों बढ़ गया? सब अपना बढ़ा लेते हैं, और हम अध्यापक कर्मचारियों का क्यों नहीं बढ़ता है? तो हमारी मांग है, हमारे सभी सारे कर्मचारी संगठनों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर ये नहीं मानते हैं तो 1 अक्टूबर में पूरे देश के कर्मचारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपनी मांग मंगवाएंगे। जय युवा, जय युवा, जय युवा, पुरानी पेंशन बहाल करो।